हेलो, मैं हूं डॉक्टर अनिल सेठी। आज मैं आपको बताऊंगा पिंक आई या आई फ्लू के बारे में। तो ये पिंक आई या आई फ्लू क्या है? देखिए, साइंटिफिकली इसको कंजंक्टिवाइटिस कहा जाता है। इसमें जो आँख की बाहरी परत है, जिसको कंजंक्टिवा बोला जाता है, इसमें सूजन आ जाती है। इस सूजन के कई कारण हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन जो कारण है जो पिंक आई या आई फ्लू करता है वो एक इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन यानी कि जैसे आपको खांसी ज़ुकाम होता है, गले में इन्फेक्शन होती है, जिसमें कि कुछ जीवाणु जो है आपके गले में इन्फेक्ट कर जाते हैं। वैसे ही कुछ जीवाणु जो हैं आँख की जो बाहरी परत है उसमें सूजन पैदा करते हैं। इसी को कंजंक्टिवाइटिस, आई फ्लू या फिर पिंक आई का नाम दिया गया है। तो इस पिंक आई के क्या लक्षण है? देखिए, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पिंक आई में सबसे कॉमन लक्षण है आँख का लाल होना, और दूसरा सबसे आम लक्षण है आँख में चुभन होना या रड़क पड़ना या ऐसे लगना जैसे आँख में रेत गिरी हुई है। तीसरा सबसे कॉमन इसमें जो लक्षण है वो है आँख में से पानी आना या मवाद निकलना या डिस्चार्ज होना। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आँख की रोशनी में थोड़ी कमी आ सकती है, अगर इस इन्फेक्शन का असर आपके कॉर्निया यानी कि जो बीच का जो काला हिस्सा है जिसमें से लाइट आपकी आँख के अंदर जाती है, अगर उस हिस्से पे भी इन्फेक्शन हो रहा है तो इसमें आईसाइट भी कम हो सकती है। तो ये आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस किस तरह होता है? देखिए, इसमें भी मेन कॉज जैसे मैंने बताया इन्फेक्शन है। तो ये जीवाणु जो आँख को इन्फेक्ट करते हैं ये किसी भी चीज़ से आ सकते हैं। आपके कोई किसी भी प्रकार की गंदगी में आपके हाथ हों, आपके हाथ लगें, वही हाथ आप आँख पर लगा लें बिना धोए, तो उससे आपकी आँख में इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर कोई और मरीज़ है जिसको कि आई फ्लू है, वो अपनी आईज़ को बार बार टच करे, आँख का जो पानी है उसके हाथ पे लगे और वो उसी हाथ से किसी और चीज़ को छुए, जैसे दरवाज़ा खोले या फिर कोई डोरबेल बजाए या फिर कहीं टेबल चेयर कहीं पे भी हाथ लगाए, और उसी जगह पर अगर आप भी हाथ लगाते हैं कुछ समय के अंदर अंदर और फिर वही संक्रमित हाथ आप अपनी आँख पर लगा देते हैं, तो आपकी आँख में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका मेजर मोड ऑफ ट्रांसमिशन या फिर जिससे ये फैलता है वो यही है कि जो आँख के अंदर का जो पानी है उससे कांटेक्ट में आने से ये दूसरे इंसान को भी हो सकता है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो आई फ्लू है ये किसी मरीज़ की जो इन्फेक्टेड आँख है, जो आँख लाल है, उसमें देखने से या उससे बात करने से या उसके पास बैठने से नहीं फैलता है। इसमें उसकी आँख से आपकी आँख तक इन्फेक्शन, जो इन्फेक्टिव मटेरियल है, वो आना ज़रूरी है, तभी ये फैलेगा। जिसका जो मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो बाय कांटेक्ट ही है। अगर उनके आँख का जो संक्रमित पानी है वो अगर आपकी आँख में एंटर करता है किसी भी तरह, उसी से ये इन्फेक्शन आपकी आँख में भी हो सकता है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक आई फ्लू के मरीज़ के साथ बैठेंगे या उनकी प्रेजेंस में आपको भी आई फ्लू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, अगर जो आई फ्लू के जो पेशेंट हैं वो अपने हाथ धोते रहें, अपनी आँख को हाथ बार बार ना लगाएं, तो उनकी आँख से दूसरों को होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। और एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि अगर आपको आई फ्लू है तो इसको दूसरों को होने से या इसको आपके परिवार में फैलने से कैसे बचाएं? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसमें मेन जो स्टेप आप ले सकते हैं वो है कि अपनी हाइजीन मेंटेन करें। अपना तकिया, अपना तौलिया, अपना हैंकी, ये सब अलग रखें। अपनी आँख पे बार बार हाथ ना लगाएं। अगर आप बार बार हाथ लगा रहे हैं तो अपने हाथ धोते रहें सोप से, जिससे कि ये आपकी आँख से जो जीवाणु है वो दूसरों की आँख तक ना पहुँच पाएँ। इसके अलावा अगर आपकी आईज़ में बहुत इरिटेशन हो रही है, लाइट से सेंसिटिविटी फील हो रही है, तो आप एक सनग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आँख को हवा कम लगेगी, इरिटेशन कम होगी, आपकी भी जो टेंडेंसी है आँख को बार बार छूने की वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये कुछ एहतियात बरत के आप इस बीमारी को अपने परिवार में और अपने ऑफिस में फैलने से बचा सकते हैं। ये भी पूछा जाता है कि आई फ्लू का ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, आई फ्लू का ट्रीटमेंट इसके कारण पर डिपेंड करेगा। मोस्ट कॉमनली ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, पर अगर आपको आई फ्लू है या आपकी आंख में लाली आ रही है, पानी आ रहा है या किसी तरह की गंदगी या डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। डॉक्टर को दिखाए बिना आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवाइयाँ केमिस्ट से लेकर मत डालें। आपके डॉक्टर आपकी आई को देख के आपको बता पाएंगे कि ये इन्फेक्शन की वजह से है या एलर्जी की वजह से है, और आगे का ट्रीटमेंट उसी पे डिपेंड करेगा। तो अगर ये इन्फेक्शन या संक्रमण की वजह से आपको आई फ्लू हुआ है तो इसमें जो मेन ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का रहता है, और कुछ लुब्रिकेटिंग आर्टिफिशियल टीयर्स भी दिए जाते हैं, जिससे कि आँख में जो जलन चुभन हो रही है उसमें आराम मिलता है, और धीरे धीरे ये एंटीबायोटिक से ये इन्फेक्शन भी ठीक होने लगता है। हाँ, अगर आपकी आँख की रोशनी भी कंजंक्टिवाइटिस की वजह से कम हो रही है, जो कि बहुत रेयरली होता है, तो उसमें आपके ट्रीटमेंट में कुछ मॉडिफिकेशंस आपके डॉक्टर कर सकते हैं। तो अगर आपका आई फ्लू है और आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो कितना समय लग सकता है इसको ठीक होने में? देखिए, ये इन्फेक्शन टू इन्फेक्शन डिपेंड करता है, किस जीवाणु का संक्रमण है उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें लगभग 1 सप्ताह से लेकर 1 महीना भी लग सकता है आपका आई फ्लू सेटल होने में। वो डिपेंड करेगा कि किस जीवाणु ने संक्रमण किया है और किस तरह का ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा है। बट हाँ, आप अपनी मर्ज़ी से केमिस्ट से जाकर कोई ट्रीटमेंट ना लें। अगर आपको आई फ्लू के लक्षण हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। सो आई होप आपको ये जानकारी काम आएगी। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो शेयर जरूर करें, और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।